भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कपिल मोरेश्वर पाटिल का ये बैनर है। हालांकि उसमें नरेंद्र मोदी जी भी दिखाई दे रहे हैं और पश्चिम के जो आमदार हैं महेश चौगले भी दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात है भिवंडी शहर वालों के लिए। वो कहते हैं कि बोल तेरा देश आज़ाद है, ये और बात है कि यहाँ का जो आज़ाद नागरिक है या मतदार है वो बर्बाद है। मेरे ठीक पीछे जो बैनर दिखाई दे रहा है, अब भिवंडी शहर के लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए यही सहूलत रहेगी। भिवंडी शहर में जो पुरानी पोस्ट ऑफिस है मंडई क्षेत्र में, अब वहाँ से पासपोर्ट बनेगा, क्योंकि भिवंडी शहर के जो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि भिवंडी शहर वाले जो है पासपोर्ट बनवा कर फ़ौरन चले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अब राजधानी एक्सप्रेस कल्याण रेलवे स्टेशन पर रुकेगी। रोजगार रहा नहीं, इसलिए भिवंडी वाले अब राजधानी में बैठ कर सीधा दिल्ली जाकर वहाँ राजनीति करेंगे। इस बैनर का मतलब तो मेरी समझ से यही आता है। इलेक्शन 2019 सामने आ चुका है और कुकुर मुत्ते की तरह से भिवंडी शहर में राजनीति करने वाले नेताओं के बैनर, इस तरह के और भी इस तरह के बैनर देखने को आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बड़े पैमाने पर यहाँ एक रैली की पहुँच। हालांकि लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है बस खत्म होने को ही है। भिवंडी शहर की जो मूल समस्याएं हैं, जो असल समस्याएं हैं, भिवंडी शहर की जनता, यहाँ के लूम मालिक या यहाँ के जो घरेलू मामला थे, टोरेन पावर से ये लोग इतना तंग आ चुके हैं। कपिल मोरेश्वर पाटिल या पश्चिम के जो हमारे ये महेश चौगले जी हैं या पूरब के शिवसेना के जो आमदार हैं रुपेश महात्रे, इन लोगों के पास टोरेन पावर के ताल्लुक से कोई इलाज नहीं है। भिवंडी शहर के रास्ते पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, मगर इन लोगों के पास जनता को जवाब देने के लिए कोई वजह नहीं है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, मंगल के दिन यहाँ एक मंगल बाजार लगती है जो लगभग 30 से 35 साल पुरानी हो चुकी है। इसको बंद कर दिया गया जिसके कारण कई हज़ार लोग बेरोजगार हो गए। इसका जवाब यहाँ के नेताओं के पास नहीं है। इस तरह का बैनर लगाकर अब कुकुरमुत्तू की तरह से भिवंडी शहर में नेता उग आए हैं। और कोई IGM हॉस्पिटल का जो मुर्दा घर एक ज़माने से ख़राब पड़ा था उसको बनवाने की बात करता है, कोई मुसलमानों के कब्रिस्तान की दीवार बनवाने की बात करता है, और कोई शमशान भूमि की दीवार बनवाने की बात करता है। और कपिल मोरेश्वर पाटिल ने ठीक पीछे दिखा दिया कि भिवंडी शहर की पुरानी पोस्ट ऑफिस, वहाँ पासपोर्ट बनेगा, क्योंकि बेरोजगारी अपने शहर में ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए सारे लोग पासपोर्ट बनवा कर इस शहर से चले जाएं, यही अच्छा होगा, शायद उनकी यही सोच होगी। राजधानी एक्सप्रेस कल्याण रेलवे स्टेशन पर रुकेगी, क्योंकि भिवंडी में कोई कारोबार रोजगार तो रहा नहीं, इसलिए भिवंडी के सारे लोग जाकर दिल्ली में राजनीति करें, शायद इसीलिए यहाँ राजधानी भी रुकेगी। मगर भिवंडी के बाहर से रहने वाले यहाँ लगभग 10 लाख लोग हैं, उनके लिए किसी ट्रेन को रोकने या रुकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। इलेक्शन एकदम करीब है, इसलिए मुझे एक फिल्म का वो एक कड़ी याद आ रही है कि चांदी के जूते से जुतियाने आए हैं बलमा बेईमान, हमें अब पटियाने आए हैं। भिवंडी शहर के लोगों को अब ये ध्यान रखना चाहिए कि जो काम करने वाला हो, किसी भी पार्टी का हो, काम करने वाले ही उम्मीदवारों को सामने लाएं, क्योंकि जिसको अपना समझ कर लाए थे उसी ने हमको लूटा है। मैं खान फकरे आलम।